हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड इवनिंग नमित रहमान दीपांशी पांडे कृति श्रीवास्तव अर्पित शुक्ला आदर्श त्रिपाठी सुषमा यादव सोनी विश्वकर्मा अनुभव शुक्ला शिल्पी सिंह प्रियंका त्रिपाठी सौम्या अब्दुल अहद प्रीतम घोष वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। हम लोग कार्बन फैमिली एलिमेंट पढ़ रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और आज हम लोग को क्वेश्चंस लगाने हैं। मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, वो एग्जाम मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी हो सकते हैं और वो जेई मेन यानी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी हो सकते हैं। आइए मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आपके पास लेके आया हूं उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना, उसका आंसर देना है और चेक करना है कितनी बातें आपको अच्छे तरीके से याद है, कौन सी बातें याद नहीं है। मनीष यादव गुड इवनिंग, अंकित कुमार हेलो अंकित कैसे हैं आप। हाँ जी, तो अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, द गैस इवॉल्व ऑन हीटिंग CF2 एंड SiO2 विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अ व्हाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट, द प्रेसिपिटेट इज व्हाट, हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिलिक एसिड, नेक्स्ट सिलिका जेल, थर्ड सिलिसिलिक एसिड एंड फोर्थ इज व्हाट। तीन ऑप्शन में ही आपको देना मुझे लगता है ना। तो आंसर आ गया था अभी स्क्रीन पे, तो आंसर इज अंकित। चलो उधर भी बढ़िया, इधर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी लगवाता हूं मैं आज। तो आंसर इज सिलिसिलिक एसिड है ना भाई। CaF2 में अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे HF बनेगा और HF को सिलिकन डाइऑक्साइड में डालोगे तो क्या बनता है। जब आप HF को सिलिकन डाइऑक्साइड में डालते हो तो क्या बनता है, H2SiF6। इसको क्या बोलते हो आप, सिलिसिलिक एसिड है ना। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है आगे बढ़ते। एग्जाम्पल ऑफ थ्री डायमेंशनल सिलिकेट इज, 3D सिलिकेट का एग्जाम्पल कौन सा है, जियोलाइट, अल्ट्रामेरिन्स, फेल्स्पर एंड बेरिल्स। बेरिलियम एल्युमिनियम सिलिकेट्स इज 3D सिलिकेट। जियोलाइट क्या है बेटा, शीट सिलिकेट। अल्ट्रामेरिन क्या है, शीट सिलिकेट है ना। फेल्स्पर क्या है, शीट सिलिकेट्स, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्पीसीज विद एन एटम इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो सबको निकालने आता है, आप आराम से निकाल लोगे। MnO4- CrCN6-3- करते चलो, Cr2O3, ClO2Cl2। तो आंसर भी मिल गया आपको, ClO2Cl2। ओके हाँ, बहुत बढ़िया। प्रियम घोष आपका आंसर भी आया था अभी, अंकित कुमार आपका भी आंसर, रहमान, नमित, अर्पित शुक्ला सभी बच्चों के आंसर आए थे पिछले क्वेश्चन का फोर्थ, इस क्वेश्चन का भी आंसर फोर्थ ही है ना। सुषमा, रुचि मिश्रा गुड इवनिंग रुचि। अगला क्वेश्चन है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिएक्ट विद स्टीम है ना, जर्मेनियम, सिलिकॉन, टिन एंड कार्बन। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो स्टीम से रिएक्शन करेगा है ना, आपको पढ़ाया जा चुका है मेरे ख्याल से, आपको याद भी होगा। तो टिन है ना, टिन को स्टीम से रिएक्शन कर सकते हैं आप। चलिए अगला सवाल। अब मेरे ख्याल से आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ याद होने वाले हैं और इस तरह के कॉन्सेप्चुअल छोटे छोटे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं अगर आपको याद नहीं है तो वो भी याद हो जाएंगे। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 1,1 ट्राइक्लोरोप्रोपेन इज ट्रीटेड विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना। आप समझ पा रहे हो, 1,1 ट्राइक्लोरोप्रोपेन बेटा, दिस वन ये है CH3 और ये है CH2 और ये है CCl3। जब इसको एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करोगे, किससे, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, KOS से, एक्वस KOS से। तो आंसर 1 इज प्रोपाइन, आंसर 2 इज 1 प्रोपेनॉल, आंसर थर्ड आंसर इज
टू प्रोपेनॉल, आंसर फोर इज प्रोपेनोइक एसिड। देखो तीनों सीएल को हटा के तीन ओएच लगाएंगे, जब तीनों सीएल को हटा के तीन ओएच लगाओगे और एक कार्बन पे तीन ओएच जब होगा है ना टर्मिनल वाले पे, तो बेटा दो ओएच तो वाटर के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। जब वाटर के फॉर्म में रिमूव होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, सी डबल बॉन्ड ओ। ये देखो ये हो गया सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर हो गया ओएच, और इधर कार्बन के बॉन्ड हो गए है ना बाकी दोनों, तो क्या बनेगा प्रोपेनोइक एसिड है ना। क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। कार्बन फैमिली का क्वेश्चन नहीं था, बट जहां ये क्वेश्चन दिया था एग्जामिनेशन में आया हुआ वहां कार्बन फैमिली में ही था, मैंने इसको दे दिया। ये वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज अ कोवेलेंट क्रिस्टल इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में कौन इसमें कोवेलेंट क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑप्शन वन आयोडीन, ऑप्शन टू सिलिकॉन, ऑप्शन थ्री सल्फर, ऑप्शन फोर फॉस्फोरस। कोवेलेंट क्रिस्टल आप समझ पा रहे होंगे है ना, कोवेलेंट क्रिस्टल क्या होता है, देखो जैसे आयोडीन का एक मॉलिक्यूल है ना, तो आयोडीन का एक मॉलिक्यूल है तो इसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल आयोडीन के आपस में वेंडर वॉल फोर्स लगाते हैं। जब बेटा वेंडर वॉल फोर्स से मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिकुलर क्रिस्टल। और अगर अगर मॉलिक्यूल में ढेर सारे एटम कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हों और नेटवर्क बना दें तब उसको बोलते हैं कोवेलेंट क्रिस्टल है ना। तो सिलिकॉन के बारे में आपने पढ़ा था कि सिलिकॉन में कोवेलेंट है ना बॉन्ड बनते हैं ढेर सारे है ना, और सारे सिलिकॉन के कोवेलेंट बॉन्ड बनके नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, दैट्स व्हाई सिलिकॉन इज कॉल्ड एज कोवेलेंट क्रिस्टल। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, रुचि मिश्रा बोलती है कि सर सर टेलीग्राम पे ग्रुप बनाइए पीडीएफ के लिए, ऐसा क्यों। चलिए सब बच्चे आंसर देने में मस्त हैं है ना, रुचि आप भी आंसर दीजिए, जो प्रश्न आप पढ़ी हैं, जो भी क्वेश्चन सामने आ रहे हैं उनके आंसर दीजिए, अभी हम बाद में बातचीत करेंगे ना। सोनी विश्वकर्मा ने टू दिया, शिल्पी सिंह ने टू दिया, कृति ने है ना। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, लाइव क्लास का एक अलग ही मजा है, एक अलग ही मस्ती है। रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ना वो एकदम ऐसे लगता है कोई काम है उसको पूरा करना है। लाइव क्लास करने का मतलब ऐसा होता है कि ये चीज मेरे लिए ही जस्ट है। तो शाम को 8:30 बजे घर में हम बैठे हैं और सर का लेक्चर आ जाए, वीडियो लेक्चर आ जाए और ढेर सारे सवाल सर के साथ हम लगा लें है ना, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अब इसको एकदम अवेल करना है और हर क्वेश्चन का जवाब देना, बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। चलो शिल्पी सिंह ने भी सही आंसर दिया, कृति ने भी दिया, अंकित ने भी दिया, अर्पित शुक्ला ने भी सही आंसर दिया, ऐसे ही रुचि मिश्रा ने भी सही दिया। 7th क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बेटा ये जो मॉलिक्यूल है Si3O9-, इसके बारे में लिखता है कि टेट्राहेड्रल है और है ना, इसके बारे में बोलता है कि टेट्राहेड्रल है और SiO4 यूनिट हैव शेयर टू ऑक्सीजन एटम। सेकंड बोलता है ट्राई एल्किल क्लोरोसिलेन ऑन हाइड्रोलिसिस गिव R3SiOH। फिर थर्ड पॉइंट है SiCl4 अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू गिव H4SiO4। फोर्थ क्वेश्चन है Si3O9-, है साइक्लिक स्ट्रक्चर। कल हमने आपको पढ़ाया था सिलिकेट, आपको सिलिकेट पढ़ाने के बाद हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ने के बाद समझ ही नहीं पाते हैं कि सर सवाल कैसे पूछेगा है ना, क्वेश्चन कैसे आएगा। तो ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये है ना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्पलर में भी दिए गए हैं, आपको बताना इनमें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि सारे करेक्ट होंगे एक ही इनकरेक्ट होगा। चलिए बताइए कैसे, पहले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Si3O9-, टेट्राहेड्रल SiO4 यूनिट शेयर करते हैं दो ऑक्सीजन एटम को। याद करिए Si3O9 कब बनता है, जब साइक्लिक सिलिकेट हो। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, क्लियर करने की कोशिश करता हूँ है ना। देखो बेटा इसमें अगर हम लोग थोड़ा कुछ सेटिंग्स में ऐसा हो गया है कि पैड पे लिखने पे नहीं आ रहा, अभी तो आ रहा था थोड़ी देर पहले। ओके हाँ ठीक है, मैं 7th क्वेश्चन पे फिर से आता हूँ बेटा। हाँ देखो अगर मैं SiO4 4- का एक यूनिट को मैंने रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया था कि सिलिकॉन को ऐसे लिख देते हैं, चार ऑक्सीजन में तीन ऑक्सीजन को ऐसे लिख देते हैं और एक ऑक्सीजन जो पीछे उसको ऐसे लिख देते हैं है ना। ये O माइनस है, ये जो सर्कल लिख रहे हैं O माइनस है। जब मैं इसको साइक्लिक सिलिकेट बनाऊंगा
है ना, तब ये फॉर्मूला होगा। कैसे होगा देखो, इस तरह से इस तरह से इस तरह से हम लोग यहाँ पे सिलिकॉन रख दिए, सिलिकॉन रख दिए, और ये हो गया O माइनस, ये हो गया O माइनस। इस तरह से बेटा देखो ये एक सिलिकेट का यूनिट जुड़ जाएगा, यहाँ पर इसी तरह से एक सिलिकेट का यूनिट जुड़ जाएगा। कल की आप मेरी क्लास में थे तो आपको याद आ रहा होगा, इस तरह से हमने साइक्लिक सिलिकेट का फॉर्मेशन किया था। और मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर देखिए तीन सिलिकॉन है, एक ये सिलिकॉन, एक ये सिलिकॉन, एक ये सिलिकॉन, 9 ऑक्सीजन है, और देखो ये दो ऑक्सीजन कॉमन हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पे दो दो ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। आगे बोला गया ट्राई एल्किल क्लोरोसिलेन, ट्राई एल्किल क्लोरोसिलेन, ये देखते हैं ट्राई एल्किल क्लोरोसिलेन, ट्राई एल्किल। अगर सिलिकॉन पे हम 3R रख दें और इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, है ना, ये Cl है, अगर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो Cl को हटा के यहाँ पर क्या आएगा, OH आएगा। लेकिन OH आने के बाद इसके दो मॉलिक्यूल आपस में डाइमराइज जाएंगे, और डाइमराइज जाएंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बन करके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा SiR R R, यहाँ बीच में O, फिर अगेन आ जाएगा R R R। तो यानी सेकेंड वाले स्टेटमेंट में गड़बड़ है। SiCl4 में चारों Cl को हटा के अगर OH लाते हैं तो यही बनेगा, है ना, ये सही है। Si3O9 6- माइनस का साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये भी बात सही है। तो केवल सेकेंड ही गलत है और बाकी सब सही है। मेरे ख्याल से रहमान आपने, शशांक ने हेलो बोला है, हेलो रहमान। अर्पित आप भी कुछ लिखना चाहते थे। नमित सिंह ने दो सेकेंड आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हमारे बड़े जोश में पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े एक्साइटमेंट के साथ पढ़ रहे हैं, और यही मेरे हैप्पीनेस का कारण है, यही मेरे जुनून का कारण है। समझ नहीं आ रहा क्योंकि आप कल की क्लास में नहीं होंगे, आज सीधे क्वेश्चन लगा रहे हैं, थ्योरी कल पढ़ा चुके हैं। आज जितने क्वेश्चंस को आप समझ पा रहे हैं कर लीजिए, पिछला लेक्चर मेरा रिकॉर्डेड फॉर्म में इसी पर इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, आप उसको क्लियर कर लीजिए पढ़ के, है ना, समझने का यही तरीका होता है। आज जो भी क्वेश्चन के थ्रू आप याद कर सकते हैं याद कर लीजिए, और कल से फिर नया चैप्टर आ जाएगा तो उसको समझिएगा अच्छे से, है ना। आप लोग कोशिश करिए अपने आप को रेगुलर रखने का, हर बात समझ में आएगा, ठीक है। हाउ मेनी कॉर्नर ऑफ SiO4 यूनिट्स, बाकी लोगों की क्या हालत है, समझ में आ रहा है। राहुल यादव गुड इवनिंग, बाकी लोग को सब क्लियर है, तो अब पहले अपना नाम लिख दीजिए, है ना। हाउ मेनी कॉर्नर ऑफ SiO4 यूनिट्स आर शेयर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 3-डायमेंशनल सिलिकेट, याद होगा आपको 3D बनाने की कोशिश जब करेंगे तो कितने कॉमन होंगे, आंसर देने हैं आपको, है ना। कल हम सिलिकेट्स पढ़ाए हैं, अगर आप पहले सिलिकेट्स पढ़े हैं तो भी ठीक है, नहीं तो कल की क्लास में आप पढ़े हैं तब भी ठीक है। तो बताओ बेटा 3D सिलिकेट है ना, 3D, एक सिलिकन है उसमें चार ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अगर 3D सिलिकेट में हम कॉमन ऑक्सीजन की बात करें, कॉमन शेयर्ड यूनिट की बात करें, तो कितने कॉमन होंगे, फटाफट आंसर बताइए, 1, 2, 3, 4 कितने कॉमन होंगे। उज्ज्वल राज वेरी गुड इवनिंग, बहुत दिनों के बाद, है ना। 3-डायमेंशनल सिलिकेट है, मैंने बताया था ऑर्थो सिलिकेट में एक यूनिट होता है, पायरो में एक ऑक्सीजन कॉमन होता है, साइक्लिक में दो होता है, चेन में दो होता है, शीट सिलिकेट में 3-3 ऑक्सीजन कॉमन होता है ना, और अगर 3-डायमेंशनल है तो 4-4 कॉमन हो जाएगा। बोलो भाई 3D कैसे बनेगा, एक सिलिकॉन से चार ओ माइनस है, जब चारों कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा तब ना कॉमन होगा, तो 4 के चारों कॉमन होगा तो 3D, 3 कॉमन होगा तो शीट, 2 कॉमन होगा तो साइक्लिक या चेन, 1 कॉमन होगा तो पायरो, और कोई कॉमन नहीं बस एक मॉलिक्यूल है तो ऑर्थो, याद रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल पढ़ाते समय मन में मेरे ये आ रहा था कि आपको लग रहा होगा सवाल कैसे आएगा, सवाल कैसे आएगा, इस तरह से सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ये AI EEE का पूछा हुआ क्वेश्चन। GF4 एंड SiCl4 एक्ट एज लुईस बेसिस, असर्शन 1 है, एम्स का क्वेश्चन है ये। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन हैव डी ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इसका रीजन दिया। क्वेश्चन पूछता है कि GF4 एंड SiCl4 लुईस बेस की तरह काम करता है, लुईस बेस की तरह काम करता है वो जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, लुईस एसिड की तरह काम करता है वो जो इलेक्ट्रॉन गेन करे। रीजन लिखता है कि जर्मेनियम एंड सिलिकॉन हैव डी ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की बात की तो लुईस बेस कहां से होगा, तो पहले तो असर्शन 1 फॉल्स है क्योंकि लुईस बेस वही है जिसके पास लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन देता है। रीजन आर है ना, जर्मेनियम और सिलिकॉन के पास खाली डी ऑर्बिटल है, खाली डी ऑर्बिटल हो सकता है क्योंकि सेकंड पीरियड के नीचे डी सबके पास रहता है, और अगर खाली डी ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और लुईस एसिड हो सकता है। यानी रीजन तो सही है लेकिन असर्शन गलत है, इसमें आपको आंसर्स देने हैं। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, है ना, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स, बोलो क्या लिखोगे, आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स, ओके ध्यान देना है आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स, रीजन तो सही है लेकिन ए असर्शन गलत है।
चलिए अगला सवाल मैं लेके चलता हूं आपको। शिल्पी सिंह ने बताया असरसन इज रॉन्ग, करेक्ट शिल्पी, बहुत सुंदर, कितना बढ़िया आप आंसर देते हो। अर्पित ने आंसर सही दिया, रहमान ने आंसर सही दिया, है ना, सुषमा यादव ने आंसर देते देते रह गई, कृति ने आंसर सही दिया, मनीष यादव ने आंसर सही दिया, रुचि मिश्रा ने आंसर सही दिया, कितना प्यारा सा करते हो आप लोग। चलो एक अगला सवाल आया हुआ है, देखो कुछ वैल्यूज वगैरह लिखे हुए हैं, इसमें लिखा हुआ है कि द कैटनेशन टेंडेंसी, भाई जिनको समझ नहीं आ रहा है क्लियर करेंगे उज्जवल राज, बाकी सारे मेरे फ्रेंड्स, अब आप लोग मेरे फ्रेंड्स हो गए, फ्रेंडशिप हो गई हमारी और आपकी यूट्यूब वाली फ्रेंडशिप है अब, है ना, तो अब जितने मेरे दोस्त लोग यहाँ बैठ के हमारे साथ आज इस रात में क्लासेस कर रहे हैं उन सबको मैं बता दूं कि कैटनेशन टेंडेंसी का मतलब होता है चेन का फॉर्मेशन करना, और चेन का फॉर्मेशन वही करेगा जिसका बॉन्ड मजबूत बनेगा, और बॉन्ड मजबूत कौन सा होता है, छोटा वाला, तो सबसे छोटा वाला जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी हाई होगी, कार्बन कार्बन की हाई होगी, सिलिकॉन सिलिकॉन की और कम होगी, और जर्मेनियम जर्मेनियम की और कम होगी। याद रखना कैटनेशन मतलब चेन बनना है, और चेन वही बनाएगा जो साइज में छोटा होगा, तो कार्बन कार्बन की हाईएस्ट होगी, है ना, सिलिकॉन की उससे कम होगी, और जर्मेनियम जर्मेनियम की सबसे कम होगी। तो आंसर बताइए अगर मेरी बात समझ में आ गई हो तो। सोनी विश्वकर्मा ने भी 4 भेजा, अनुभव शुक्ला ने भी 4 भेजा, सब ने आंसर 4 भेजा था, सबका आंसर सही था। अब इस क्वेश्चन का 10th क्वेश्चन का आंसर बताइए मेरे साथ। इसी तरह से आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं आपको टॉपिक वाइज रिवाइज करना, बार बार रिवीजन कराऊंगा। एग्जामिनेशन से पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो रटने वाली चीजें हैं वो हम लोग मैक्सिमम टाइम रिवीजन कर लेंगे, और फिजिकल केमिस्ट्री जहां प्रॉब्लम लगाने वाले सेक्शन के हैं वहां हर टाइप के हर वैरायटी क्वेश्चंस हम लोग ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में भी लगा लेंगे। तो नमित सिंह आपका आंसर 1 आ गया है, ये आंसर 1 ही आना चाहिए क्योंकि पहले वाले का ज्यादा, दूसरे का कम, तीसरे का और कम होना चाहिए। तो चलिए हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते, कार्बन कार्बन है ना सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो सबसे अधिक पहला आंसर सही है, रहमान का भी आंसर सही है, इस बच्चे को समझ में आ गया, वेरी गुड, अभी समझ में आ गया है ना, ऐसे कुछ चीजें आएंगी समझ में अगर पढ़ा है तो। आस्था मौर्य, उज्ज्वल राज, सब लोग का आंसर बनाया है, बहुत बढ़िया, एक प्यारा सा क्वेश्चन। द रिएक्शन दैट गिव्स CO2 एज वन ऑफ द प्रोडक्ट इज, इसमें कौन सा ऐसा रिएक्शन है इसमें CO2 बनेगा। मैंने आपको बताया था कि नॉन मेटल लाइक कार्बन, फॉस्फोरस जब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो CO2 का फॉर्मेशन करते हैं। आइए देखिए, है ना, कार्बन नाइट्रिक एसिड के साथ, NaOH कार्बन के साथ, SnO2 कार्बन के साथ, और Fe2O3 कार्बन के साथ, सही आंसर क्या होगा आप बताइए। इसमें कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, मैंने आपको पढ़ा के रखा हुआ है। रुचि मिश्रा, बहुत मजा आ रहा है, अनुभव शुक्ला का भी 1 आंसर आ गया, मेरे सारे बच्चे बहुत फुल ऑफ एक्साइटमेंट, पूरी मस्ती के साथ क्लास कर रहे हैं, है ना, और यही मस्ती, यही एक्साइटमेंट हमें सक्सेस अचीव कराएगा। ध्यान देना है, ये एक्साइटमेंट एग्जामिनेशन के 1 घंटे पहले तक कम नहीं होना चाहिए, और एग्जामिनेशन के दिन तो एकदम सुपर एक्साइटमेंट होना चाहिए, हाईली कॉन्फिडेंट होकर आप वहां जाएंगे, और एग्जाम तभी होगा जब पूरे सिलेबस के हर पॉइंट को आपने कवर किया है, सारे तरह के क्वेश्चंस को आपने लगा के रखा हुआ है। द रिएक्शन दैट गिव्स CO2 एज वन ऑफ द प्रोडक्ट इज, क्या आंसर लगाएंगे सब लोग का आंसर मुझे चाहिए। चलिए तो आपको बताइए कि कार्बन वाला आंसर होगा क्योंकि कार्बन बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता, SnO2 कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो SnO और CO बनेगा, Fe2O3 करेगा तो CO बनेगा, है ना। कार्बन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करता है तभी CO2 बनता है, SnO2 Fe2O3 के साथ जो फॉर्मेशन होता है वो कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में होता है। सुषमा यादव का भी 1 आंसर आया, मनीष, सोनी, रुचि, अमन, सब लोग के 1 आंसर आ गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं आप और बहुत बढ़िया खेल भी रहे हैं आप, है ना। आपके लिए यही है KBC, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा डॉक्टर, कौन बनेगा इंजीनियर, है ना। व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ शीट सिलिकेट, जो एकदम एक्साइटमेंट के साथ, फुल ऑफ एक्साइटमेंट के साथ पढ़ रहा है वो बनेगा इंजीनियर डॉक्टर, है ना। व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ शीट सिलिकेट्स, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने आपको सारे सिलिकेट्स के फॉर्मूले याद कराए थे। चलिए देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला है, आपको चेक करने का भी तरीका मैं बता दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे करना। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं SiO4 4- इट इज फॉर्मूला ऑफ सिलिकेट। जब बेटा 2 सिलिकॉन आता है SiO2, एक ऑक्सीजन कॉमन होता है, 8 में से एक कॉमन हो गया, है ना, तो Si2O7 6- को बोलते हैं पायरोसिलिकेट। ये देखो ये पायरोसिलिकेट का फॉर्मूला है, यहां पर सर ने पूछा शीट सिलिकेट, पायरो में बस 2 कॉमन होते हैं,
अब शीट का मतलब होता है एस आई, अब देखो साइक्लिक और चेन सिलिकेट में एस आई ओ थ्री होगा, अगर तीन ऑक्सीजन है और दो दो कॉमन है तो दो पे दो माइनस आएगा, टू एन माइनस होना चाहिए, है ना। ये ऊपर वाला में दिया शीट सिलिकेट है ना, ये साइक्लिक सिलिकेट, ठीक है, ये साइक्लिक हो गया, ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है, पायरोसिलिकेट हो गया। अब बचा पहला, अब हम आंसर नहीं देने वाले हैं और यहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछते हैं, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला याद रखना है कि शीट सिलिकेट का Si2O5 है ना N2N- होता है, और ये सब ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर कैसेटराइट इन्वॉल्व्स, ITJEE का पूछा हुआ छोटा सा और क्यूट सा क्वेश्चन, अर्पित शुक्ला ने जो आंसर दिया था, रुचि मिश्रा ने जो आंसर दिया था, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे आंसर में क्या गड़बड़ी थी। चलिए, कार्बन रिडक्शन ऑफ आयन ऑक्साइड ओर, बेटा कैसेटराइट SnO2 को कैसेटराइट बोलते हैं, है ना, इस SnO2 को है ना एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इसका कैसे करते हैं, ध्यान दो ऑक्साइड ओर के लिए कभी भी सेल्फ रिडक्शन नहीं होता, चलो मैं हिंट नहीं करता हूं, ऑक्साइड ओर के लिए कार्बन रिडक्शन मेथड होता है, ठीक है। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर कैसेटराइट इन्वॉल्व्स, याद रखना है SnO2 से हम क्या बाहर निकालते हैं, है ना, कार्बन रिडक्शन मेथड से ऑक्साइड ओर को रिमूव करते हैं और मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर वन होगा। चलिए, एक बात और भी लिखा है कि इसमें Sn आयरन की इंप्यूरिटी निकलती है SnO2 के अंदर, मेनली जो इंप्यूरिटी होती है Fe होती है, या ITJEE एडवांस का क्वेश्चन है, दो दो आंसर सही है, तो आयरन की इंप्यूरिटी को भी रिमूव करते हैं और हम ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कार्बन का भी इस्तेमाल करते हैं, दोनों बातें सही है। प्रोड्यूसर गैस, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इज मिक्सचर ऑफ CO+N2 CO+H2, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आंसर आने लगा, सब लोगों ने आंसर फेंक दिया एकदम से, साबिया, मने, सोनी, नमित, उज्जवल, सबके आंसर आ रहे हैं। चलिए, प्रोड्यूसर गैस इज मिक्सचर ऑफ, जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, ये सबको पता है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बिल्कुल डिस्कस नहीं करना है, कोई हिंट भी नहीं देना है, कोई क्लू भी नहीं देना है, चलिए फटाफट आंसर बताइए मेरे को, बताइए कौन सा आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर, 14th क्वेश्चन का आंसर मेरे तक पहुंच रहा है, अनुभव का वन है, अर्पित शुक्ला का वन है, यस, प्रोड्यूसर गैस में N2 का कंटेंट हाईएस्ट होता है, कल के दिन हम लोगों ने पढ़ा है। ड्राई आइस किसको बोलते हैं, ये तो बहुत प्यारा सा और क्यूट सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सॉलिड वाटर, सॉलिड CO2, सॉलिड N2O4 एंड सॉलिड अमोनिया, UPSEE में इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो ये हो गया सॉलिड CO2। मैंने सारे एग्जामिनेशन के आगे थोड़ा ढंग के क्वेश्चन का कलेक्शन किया है, जो मुझे लगता है थोड़ा एक दो आसान सवाल भी डाल दिया मैंने। इन फेल्सपर एंड जियोलाइट Si4+ ion आर रिप्लेस्ड बाय विच आयन, देखिए ध्यान से, फेल्सपर और जियोलाइट में सिलिकॉन को एल्यूमिनियम से हम लोगों ने रिप्लेस किया था, याद होगा आपको, है ना, अब एक स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया था मैंने, तो एल्यूमिनियम आयन लिखेंगे, है ना। व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग, मान लो कि, अच्छा ये क्वेश्चन मान लो पहले से नहीं पढ़ा, हालांकि मैंने कल पढ़ाया था आपको, स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, मान लो कि ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, तो ऑक्साइड आयन तो होगा नहीं भाई, सिलिकॉन पे प्लस फोर है, तो प्लस वाले को प्लस वाला रिप्लेस करेगा, ऑक्साइड में तो माइनस होता है, तो पहला आंसर होगा नहीं, दूसरा आंसर होगा नहीं, बोलो। अब बचा तीसरा और चौथा, अब यहीं पर 50-50 लग जाएगा, है ना, यहीं पर 50-50 लग जाएगा, अब इसमें अब जो लगा लो तुम, एल्यूमिनियम और पोटेशियम आंसर होगा, अब प्लस फोर वाले चार्ज वाले को हटाना है, तो प्लस वन वाला तो नहीं रिप्लेस कर पाएगा, तो लगा दिया एल्यूमिनियम, ठीक है। चलो, व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, PbNO3 को हीट करते हैं, बेटा याद रखना, एल्कली मेटल में लिथियम के नाइट्रेट को छोड़ दो, एल्कली मेटल में लिथियम नाइट्रेट छोड़ के बाकी जितने नाइट्रेट हैं, अगर उनको हीट करते हो तो डिकम्पोज होकर केवल O2 देगा, नाइट्रेट से नाइट्राइड बनेगा, स्टेबल होता है, लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल के सारे नाइट्रेट, एल्कली मेटल में लिथियम नाइट्रेट, उधर लेड नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, इन सबको डिकम्पोज करोगे तो पूरी तरह से डिकम्पोज होगा और PbO+NO2+O2 का फॉर्मेशन होगा, तो याद रखना है इसमें PbO+NO+O2 का फॉर्मेशन होगा, तो इसका सही आंसर है 2। आंसर साबिया ने 3 भेजा है, सोनी विश्वकर्मा, मेरा फोन स्विच ऑफ होने वाला है, चार्जर में लगा दो, ये भी सर को बताना पड़ेगा क्या, है ना। शिल्पी सिंह ने आंसर दिया है NO2+PbO+O2, बेटा O2 कहां जाएगा, बिना ऑक्सीजन के उड़े तो काम बनेगा नहीं। कृति श्रीवास्तव ने लिखा है PbNO2, PbO+NO2 कोई ऑप्शन नहीं है, PbO+NO2+O2 सेकंड ऑप्शन सही है, ध्यान देना है। अर्पित ने सेकंड आंसर बोला, रुचि ने 2, नमित ने NO2+PbO, अच्छा O2 आप लोग अंडरस्टूड है, नहीं बोल रहे हैं ना, चलो ठीक है। रहमान ने भी 2,
सौम्या ने भी टू आंसर दिया है, कोई नहीं. Among the following substituted silanes, the one which will give rise to cross linked silicon polymer on hydrolysis, है ना? AIEEE का क्वेश्चन है, प्यारा सा. बोलते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा सिलेन है जिसको अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन बनाएगा. भाई देखो, बात को समझो, है ना. केवल रटने की जरूरत नहीं कि इसका आंसर ये होता है, इसका आंसर ये होता है ना. चलो, अर्पित शुक्ला ने आंसर दे दिया, रहमान ने सबको याद दिलाया कि लाइक करो. जितने लोग वॉचिंग हो उससे ज्यादा लाइक होना चाहिए, लाइक करो. वीडियो लाइक करना पड़ता है, लाइक करने से एस आई. और यहाँ पे देखो, आप क्या चाहते हो, क्रॉस लिंक का मतलब होता है इधर भी ओ, है ना, इधर भी ओ, इधर आर. देखो, जब ऐसे जुड़ेगा तो चेन होगा, और साथ में ऊपर भी जुड़ गया तो क्रॉस लिंक होगा. बताओ, ओ कब आता है, सीएल को हट के वो आता है. अब सीएल को हट के वो कब आएगा, जब तीन सीएल रहेगा तभी ना तीन ओ आएगा, और तीन सीएल किसमें, सेकंड वाले में. तो जब क्रॉस लिंक बोलेगा मतलब चेन ऐसे तो ही है, साथ में ऐसे क्रॉस कर दो, ठीक है. तो ध्यान दो, जब तीन सीएल रहेगा तो क्रॉस लिंक बनेगा, और जब दो सीएल रहेगा तो दो ओ जाएगा सीएल को हटके, और दो ओ अगर से जाता चेन बनेगी, है ना. तो सेकंड आंसर लगा ना तीन सीएल वाला. चलो, नमित सिंह ने आंसर भेजा है टू, शिल्पी सिंह भेजते रह गई, कृति ने टू भेजा है, और एक प्यारा सा बच्चा है, उसका नाम तो नहीं लिखा है, अल्फाबेट ए से नाम है, लेकिन उसने भी लाइक करा. लाइक यहाँ नहीं करना है, वहां लाइक बटन पे लाइक करना है, वीडियो के नीचे लाइक करते हैं वहां लाइक करना है. रहमान, अनुभव शुक्ला, आप सभी लोगों ने क्वेश्चन का आंसर समझा है बेटा. अगर दो सीएल वाला आंसर लगाओगे रहमान, है ना, अनुभव शुक्ला ने वन लगाया बेटा, अगर ये दो सीएल वाला आंसर लगाते हो, ये वाला लगाते हो, तो दो सीएल हटके दो एच आएगा, और दो एच आएगा तो बेटा एक ओ इधर जाएगा, एक ओ इधर जाएगा, तो क्या बनेगा, चेन, है ना. क्रॉस लिंक पे ध्यान दो, क्रॉस लिंक को मैं ब्लिंक कर रहा हूं, ध्यान दो, क्रॉस लिंक पे ध्यान दो, इस पर ध्यान देना है सबको. चलो आगे बढ़ते हैं. आइडेंटिफाई बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है. H2SiO4, सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, सिलिकॉन है ना. सैलिसिलिक एसिड को हीट करते हैं 1000 डिग्री पर, कुछ बना, ए बना, कार्बन सिलेक्शन करते हैं, बी बना और सीओ बना. बताना है आपको किसके बारे में, फर्स्ट कार्बोरेंडम किसके बारे में पूछ रहे हैं, बी के बारे में पूछ रहे हैं, क्वार्ट्ज, केसलगर और सैंडस्टोन. बताओ क्या होगा, आसान सा क्वेश्चन. H2SiO4 1000 डिग्री पे हीट किया, पानी निकल गया, पानी निकलने के बाद ए बना. भाई देखो, H2O निकाल दो, देखो क्या बचता है, H2O निकालो क्या बचता है, पानी निकालो. देखो इसमें कई OH हैं, कई चार OH हैं, चारों OH से अगर दो दो OH का कॉम्बिनेशन बना के निकालते हो पानी, तो क्या बचेगा, सिलिका में कार्बन डालोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, इधर क्या बनेगा, आइडेंटिफाई करना बी को, ध्यान दो क्या बनेगा, ध्यान देना है, आंसर देना है. बहुत सुंदर, यहाँ पे सिलिकन कार्बाइड इज कॉल्ड एज कार्बोरेंडम, सिलिकन कार्बाइड इस कॉल्ड एज कार्बोरेंडम. एकदम सही आंसर दिया है कृति श्रीवास्तव, को अच्छे से याद हो रहा है. क्या याद किया कृति ने, यहाँ पर जो ए ऑप्शन है इट इज सिलिका. क्यों, देखो एस आई पर चार ओएच है, है ना, इन चारों ओएच को मिलाओगे तो बन जाएगा H2SiO4 है, चार ओएच नहीं है. यहाँ पर देखो H2SiO4 है, एस आई ओएच ऐसा हो गया, और ये जो ओ है ऐसे आगे चल के लिंक हो गया है. अब इसको जब हीट करा तो अब इसके बाद जो ये कार्बन के साथ रिएक्शन करके सिलिकॉन कार्बाइड बना दिया, और कार्बन मोनोऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड को ही कार्बोरेंडम कहते हैं. तो पहला आंसर सही है, इस क्वेश्चन को याद करना, एग्जामिनेशन का पूछा हुआ क्वेश्चन सब करा रहे हैं. किसी भी क्वेश्चन के साथ ऐसा मत करना कि हम याद नहीं करेंगे, हमको नहीं आ रहा है, इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं कि आपको आ जाए. हाइड्रोलिसिस ऑफ SiCl4 गिव्स कंपाउंड एक्स, चारों सीएल को हटा के चारों जोड़ दो, एक्स बन गया. एंड HCl देगा ही पानी है, तो पानी का वो सीएल के पास गया, और पानी का HCl के साथ निकल गया, और पानी का वो सिलिकॉन पे चला गया, बन गया वही चीज अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए थे. जब 1000 पे हीट किया तो कुछ बना, फिर एंड फॉर्म वाई, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, वही क्वेश्चन है. तो चलो H2SiO4 प्लस सिलिका, है ना, पहला आंसर तो यही है, यही हमको चाहिए भी था बेटा. देखो थ्योरी में पढ़ा चुका हूं, इस चैप्टर की थ्योरी में कल पढ़ा चुका हूं, आज मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं, पहले मैं थ्योरी ही पढ़ाता हूं फिर क्वेश्चन लगाता हूं, है ना. मिस्टर ए, आपका नाम शायद अल्फाबेट ए से है और बाकी कुछ लिख के नहीं आ रहा है, तो बेटा मैं पहले थ्योरी पढ़ाता हूं और थ्योरी पढ़ाने के बाद ही क्वेश्चन लगाता हूं. ऐसा नहीं कि हाँ, ये जरूर है कि आपने पिछले क्लासेस नहीं करी है, अब आगे से कंटिन्यू करिए, थ्योरी भी पढ़िए, प्रॉब्लम भी लगवाइए, ठीक है. आज प्रॉब्लम इसलिए हम लगवा रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास एग्जामिनेशन के आए हुए क्वेश्चन को लगाने का टाइम था, है ना. थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं,
चलिए अभी आंसर आना देखो, बाकी बच्चे आंसर दे रहे हैं। सुषमा यादव 1, उज्जवल उज्जवल राज 1, नमित सिंह 1, शिल्पी सिंह 1। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? 1। ठीक है, 1। ठीक है, सबको समझ में आ गया, वही वाला क्वेश्चन था, रिपीट किया हमने एग्जामिनेशन में। अलग अलग तरीके से देख रहे हो, अलग अलग एग्जाम में, अलग अलग ईयर में, अलग अलग तरीके से पूछा गया है, आपको रिएक्शन से याद होने चाहिए। व्हाइट लेड है ना, यूपी बोर्ड वाले बच्चे बोलते सफेदा, व्हाइट लेड। तो व्हाइट लेड इज व्हाट? व्हाइट लेड इज व्हाट? लेड कार्बोनेट प्लस लेड हाइड्रोक्साइड को हम व्हाइट लेड कहते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर ईपीटी वगैरह में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन कैरेक्टर? देखो SNO2, SiO2, CO2 एंड कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्वेश्चन आईटी एडवांस में दूसरे तरीके से पूछा गया था। एम्फोटेरिक कैरेक्टर की अगर बात करें तो मैंने कुछ ही दिन पहले आपको याद कराया था, ऐसे ऐसे जनाबे अली, ये देखो जिंक ऑक्साइड है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जनाबे अली बेकार, इन दोनों को मिला दो बेकार, बेरिलियम है ये और एक क्रोमियम, बेकार गाए पंजाबी सॉन्ग, याद कर लो, जनाबे जनाबे अली बेकार गाए पंजाबी सॉन्ग, ये सब क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो टिन वाला ऑक्साइड आ गया ना इसमें, तो पहला वाला क्या हो गया? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दूसरा वाला कैसा हो गया? देखो नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो कैसा होगा? नॉन मेटल का ऑक्साइड है एसिडिक होगा, ये भी कैसा होगा? एसिडिक होगा। मेटल का ऑक्साइड है कैसा होगा? बेसिक होगा, है ना। चलिए अभी हम आईटी एडवांस वाला भी क्वेश्चन दिखाएंगे जो आया था। सुषमा यादव ने आंसर दिया, SNO2 कृति ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुषमा यादव ने फिर से 3 लिख दिया, अरे भाई 3 क्यों लिख दिया, पहला लिखना था ना। चलो जनाबे अली SNPB नहीं है ना, जनाबे अली SNPB नहीं, जनाबे अली बेकार गाए पंजाबी सॉन्ग है ना। रोस्टेड टिन स्टोन आर आफ्टर वॉशिंग विद वॉटर इज नोन एज, रोस्टेड टिन स्टोन आर आफ्टर वॉशिंग विद वॉटर इज नोन एज, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, हर जगह मिलता है कि जो टिन स्टोन है उसको हम पहले भून दें रोस्ट करके और उसके बाद वॉश करें तो कैसा दिखेगा, कैसा बनेगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कैसा बनेगा बताना है आपको, है ना। अब ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबको याद होगा, ब्लैक टिन बनता है ना, पहले ब्राउन होता है फिर ब्लैक हो जाता है तो ब्लैक टिन बनता है। अ फाइबरस मिनरल विच कैन विदस्टैंड रेड हॉट फ्लेम्स विदाउट एनी डैमेज इज, देखो ये क्वेश्चन अब अपने AIPMT के नीट के सिलेबस से बाहर हो चुका है ना, पुराना क्वेश्चन था, शीट में था, तो देखना चाहते हो देख लो। एक फाइबरस मिनरल है जिसको रेड हॉट फ्लेम के साथ हम रखते हैं, रख सकते हैं विदाउट एनी डैमेज, याद कर लो एस्बेस्टस है ना, मकान की छत में जो एस्बेस्टस लगता है वो अगर हम रेड हॉट फ्लेम के साथ रखें तो उसमें कोई डैमेज नहीं होता। ठीक है, द स्टेबिलिटी ऑफ डाइहैलाइड, ये क्वेश्चन में करा चुका हूँ, अभी कल ही के दिन कराया था मैंने, AIEEE 2007 में पूछा गया है। अरे वाह वेरी गुड, आर्यन भी आ गया, आर्यन आया है धमाकेदार 333 लिखते हुए। अर्पित शुक्ला ने 2 आंसर लगाया, आर्यन जे आर्यन जयसवाल आ गया, अर्पित शुक्ला ने आंसर 2 लगाया। रुचि मिश्रा भी कुछ लिखना चाहती हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। बोलिए, +2 वाली स्टेबिलिटी नीचे वाले की ज्यादा होती है और नीचे वाले की ज्यादा होती है तो कौन सा आंसर है? सबसे अधिक लेड, फिर टिन, फिर जर्मेनियम, फिर सिलिकॉन। पिछले क्लास में जब ये क्वेश्चन कराया तो सेकंड वाला ऑप्शन फोर्थ वाला सेकंड नंबर पे था, है ना, तो ध्यान देना, इसीलिए वहां पर आंसर में थोड़ा उल्टा लग गया था, तो मैंने बोला था थोड़ा आंसर में करेक्शन है। विच ग्लास हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लेड, लेड का कौन किसमें सबसे अधिक परसेंटेज होगा? सोडा ग्लास, फ्लिंट ग्लास, जीना ग्लास एंड पायरेक्स ग्लास, है ना, फ्लिंट ग्लास याद करना है, हालांकि ये ग्लास भी अब आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग प्रिंटर्स इंक, शू पॉलिश, ब्लैक वार्निश एंड पेंट, कराया है मैंने आपको याद होगा, कल ही मैंने पढ़ाया है, लैम ब्लैक, बोन ब्लैक, कार्बन ब्लैक, नन ऑफ दिस, क्या आंसर लगाओगे? कौन सा प्रिंटर का इंक बनाने काम आता है? शू पॉलिश में काम आता है ना, ब्लैक वार्निश में काम आता है और पेंट में, लैम ब्लैक है ना, लैम ब्लैक इन सबके काम आता है, ध्यान देना भाई, याद करो बढ़िया से। अ मेटल एम फॉर्म क्लोराइड इन इट्स +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस क्लोराइड इज करेक्ट, बताना है आपको कौन कौन सी बातें सही है। मेरे ख्याल से कल ही मैंने कराया था कि जिस पर +4 चार्ज होगा वो कोवेलेंट ज्यादा होगा, +2 वाला आयनिक होगा, सेम क्वेश्चन मैंने कराया था, आप जानते हो जो आयनिक है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो पहला वाला गलत है क्योंकि जो स्ट्रांग है वो वोलाटाइल ज्यादा कैसे होगा, सेकंड जो आयनिक है वाटर में सोलबल होता है तो सेकंड वाला ज्यादा सोलबल होगा, ये क्वेश्चन हमने कल भी कराया था, एग्जाम में आया हुआ इसलिए रिपीट कर गया। अर्पित शुक्ला ने आंसर लिखा है लैम ब्लैक, आगे भी बहुत सारे लोग के आंसर आ रहे हैं।
चलिए, व्हाट इज एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन? SiCl4 को जब आप वाटर से रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा? H4SiO4 बनेगा, SiH4 बनेगा, बार बार हो चुका, अभी भी थोड़ी देर पहले आया था, क्या बनेगा बोलो? अगर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, अभी भी थोड़ी देर पहले कराया, चार Cl हट के चार OH आ जाएगा, तो चार OH आएगा तो क्या बोलोगे? H4SiO4. Which of the following is used for making optical instrument? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में कौन सा यूज होता है? सिलिका यूज होता है कि सिलिकॉन यूज होता है कि सिलिकॉन हाइड्राइड होता है कि सिलिकॉन कार्ब? ऑप्टिकल मतलब क्या? सिलिका है ना. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लेंस वगैरह बनाने में क्या यूज होता है? सिलिका. क्योंकि ग्लास में क्या होता है? सिलिका है ना. चलो 30 क्वेश्चन आप लगा चुके हो इतने कम समय में. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन कैरेक्टर? दोबारा उसी तरह क्वेश्चन आया एग्जामिनेशन में, जब जब आया हुआ तब तब मैंने इस क्वेश्चन को रखा है ताकि एक ही चीज कई बार पढ़ने के बाद आपको याद हो जाए और आपको एकदम से पक्का हो जाए इस तरह के क्वेश्चन का जवाब कैसे दिया जाता है. चलिए ये क्वेश्चन आप अभी भी किए हो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड SnO2, यही सेम क्वेश्चन AI ट्रिपल ई में पूछा गया, इसलिए मैंने दोबारा उसको दे दिया. द नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम इन कैल्सियम कार्बाइड आर. कैल्सियम कार्बाइड में कितने कितने नंबर और टाइप ऑफ बॉन्ड होंगे? आपको नंबर ही बताना है, उसका टाइप बॉन्ड बताना है. कैल्सियम कार्बाइड में सिग्मा और पाई बॉन्ड कल भी कराया था मैंने बेटा. कैल्सियम कार्बाइड इसको बोलते हो, यहाँ पे दो प्लस यहाँ पे दो माइनस, दो कार्बन है एक एक माइनस कर दिए और कार्बन के तीन बॉन्ड बना दिए, ऑक्टेट पूरा हो गया. देखो एक सिग्मा है और दो पाई बॉन्ड है ना, ये सबको आता है क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये. वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड. नमित सिंह ने फोर्थ आंसर भेजा, शिल्पी ने फोर्थ भेजा, रहमान ने फोर्थ भेजा था है ना, सौम्या ने भी फोर्थ भेजा और ये अभी आस्था मौर्य, ऋतिक मिश्रा, शिल्पी सिंह सबके आंसर आ रहे हैं. याद करना है एक सिग्मा बॉन्ड दो पाई बॉन्ड आंसर होगा. उज्जवल राज ने टू आंसर भेजा है, सही है. कृति ने भी टू भेजा है, वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड. अगले क्वेश्चन की तरफ लेते हैं. अब आपकी स्क्रीन पे 33rd क्वेश्चन. सिलिका इज रिएक्टेड विद सोडियम कार्बोनेट, व्हाट इज द गैस लिबरेटेड? या देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट में सिलिका डाल रहा है. अरे देखो ना भाई, ये Na2CO3 है और साथ में SiO2 है. हमें पता है Na2CO3 इज मिक्सचर ऑफ NaOH एंड कार्बोनिक एसिड H2CO3. तो अगर ये NaOH है तो ये सिलिका के साथ सिलिकेट बना देगा और कार्बोनेट जो टूटेगा वो CO2 बना देगा है ना. तो पहला आंसर CO, O2, CO2, O3, तो सही आंसर कौन सी गैस निकलेगी? CO2. ओके बहुत बढ़िया. आर्यन ने सेकंड आंसर भेजा है, सवाल कौन सा है, आंसर क्या है? आर्यन, आर्यन जायसवाल, आगे देखो बेटा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? सिलिका इज यूज एज एसिड फ्लक्स. सिलिका को फ्लक्स मतलब जो मेटलर्जी में हम फ्लक्स के रूप में सिलिका को यूज करते हैं, सही आंसर है. ग्रेफाइट दो लेयर के बीच में 3.3 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर का गैप होता है, ये भी एक सही बात है क्योंकि आपको गैप की वैल्यू तो याद नहीं है. अब आप गलत ढूंढिए तो शायद सही सही आपको मिले, एक ही गलत है इसमें. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट sp2, ये भी सही है. सिलिका को सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करने पर CO2 मिलता है, यहाँ पे लिखा है CO मिल रहा है, इसलिए एक ही आंसर है गलत और वो आंसर कौन सा है? थर्ड, थर्ड इज रॉन्ग. ओके चलिए भाई, सबके आंसर्स मेरे तक पहुंच रहे हैं. अर्पित, आपके भी आंसर पहुंच गए. अर्पित शुक्ला के भी आंसर पहुंच गए, बहुत बढ़िया. उज्जवल राज, आपका भी आंसर सही है. थर्ड आंसर, थर्ड आंसर, सिलिका CO2 देता है, CO नहीं देता, याद हो गया होगा रिएक्शन. फॉर्मूला ऑफ एगेट इज, एगेट का फॉर्मूला क्या है? सोडियम सिलिकेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिका या कैल्शियम फ्लोराइड है ना. सिलिका का ही मैंने कई रूप कर पढ़ाया था है ना, एगेट पढ़ाया था, कई सारे फिगर दिखाए थे, बड़े सुंदर सुंदर मैंने आपको पत्थर दिखाए थे, स्टोन्स दिखाए थे, वो सब क्या थे? सिलिका थे है ना. तो एगेट कोई अलग से चीज नहीं है, सिलिका का ही फॉर्म है. चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एसिडिक फ्लक्स इन मेटलर्जी. एसिडिक फ्लक्स मतलब जो एसिडिक ऑक्साइड है और जो स्लैग्स है उनके साथ सॉल्ट बना ले, तो सिलिका है बेटा, सिलिका ही एसिडिक फ्लक्स होता है. ठीक है, मेटलर्जी में हम लोग पढ़ते हैं, इस बार मेटलर्जी आउट ऑफ सिलेबस हो गया था अभी तक, अब देखते हैं आगे सिलेबस में वो टॉपिक आता है कि नहीं आता है. आर्यन ने लिखा है, आर्यन अर्पित शुक्ला अमॉर्फस, हाँ अमॉर्फस करेक्ट, अर्पित वो अमॉर्फस उसमें था, कल हमने पढ़ाया था आपको, अमॉर्फस एलोट्रोप था सिलिका का है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ लेड. गैलेना बेटा पीबीएस को बोलते हैं, याद करना है कि गैलेना पीबीएस इज द इंपॉर्टेंट ओर ऑफ लेड,
या यहाँ कह लो कि मेन ओर होता है। तो कैलामाइन नहीं होगा आंसर, मैलाकाइट नहीं होगा, मैलाकाइट बेसिक कॉपर कार्बोनेट को कहते हैं, डोलोमाइट नहीं होगा, तो गैलेनाइज आंसर है ना पीबीएस। ऋतिक मिश्रा ने दूसरा आंसर दिया, प्रियंका त्रिपाठी ने सिलिका आंसर दिया है, आर्यन जायसवाल का भी आंसर आ गया, बहुत बहुत ही बढ़िया आंसर्स। अर्पित शुक्ला ने वन आंसर दिया है, आर्यन ने टू दिया, नमित सिंह नेट पैक खत्म हो रहा है भाई, बाद में देख लेना, चलो बाय नमित, कोई नहीं। एग्जॉस्टेड सोल, वेरी गुड, एग्जॉस्टेड सोल, एकदम आपको मैं आपका जो थकान है वो मैं दूर कर दूंगा, चलिए आपका जो एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा यहाँ पे, कितना बढ़िया लग रहा है। रात के नौ बज गए हैं लगभग, मेरे ख्याल से 9 बजे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, और अब तक हम लोग 37 क्वेश्चन लगा चुके हैं, 38th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और अब हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि सिलिकॉन है क्या, इस सवाल का जवाब देना है। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है, कंडक्टर है, और नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन हर कोई लगा सकता है, सबको पता है, बिटसैट का क्वेश्चन है ये, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही सेमीकंडक्टर होते हैं, है ना, तो ये सबको पता है, सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स आर टेट्रावेलेंट, तो सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन। अगले सवाल की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। उज्जवल राज ने 9:25 समय बता दिया है मेरे को, और क्लास 8:35-8:40 पे स्टार्ट हुई है, अभी चलेगा, वेरी गुड। एग्जॉस्टेड सोल आपका भी आंसर सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, ग्रेफाइट इज अ सॉफ्ट लुब्रिकेंट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेल्ट, द रीजन फॉर द एनोमलस बिहेवियर इज दैट ग्रेफाइट। AIEEE 2003 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है इट इज नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, सेकंड है इट इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ डायमंड, थर्ड हैज मॉलिक्यूल ऑफ वेरिएबल मॉलिक्यूलर मासेस लाइक पॉलीमर, एंड फोर्थ ऑप्शन इज हैज कार्बन एटम्स अरेंज इन लार्ज प्लेट्स ऑफ रिंग्स ऑफ अ स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड कार्बन एटम विद वीक इंटरप्लेट बॉन्ड्स। ग्रेफाइट के अंदर, ग्रेफाइट एक सॉफ्ट सॉलिड लुब्रिकेंट है ना, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेल्ट, सॉफ्ट सॉलिड लुब्रिकेंट है, बट मेल्ट करना इसको थोड़ा डिफिकल्ट है, और इस बात का जो ये जो एनामली है, ये जो एक डिफरेंट बिहेवियर है, इसका रीजन क्या हो सकता है, ये एक नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, गलत। हमें पता है कार्बन के जो क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रोप्स हैं वो डायमंड है, ग्रेफाइट है एंड फ्लोरीन है, तो पहला आंसर तो नहीं होगा। इट इज एन एलेट्रॉपिक फॉर्म ऑफ डायमंड, एकदम से सही बात है, बट ये इस बात का रीजन नहीं हो सकता है ना। Has molecule of variable molecular masses like polymer, polymerization से solid lubricant होने वाली बात भी थोड़ी कम समझ में आती है। Has carbon atom arranged in large plates of ring, कई सारे rings हैं और आपस में मिले हैं, fused ring आपस में मिले हैं, और ये strongly bonded है carbon atom with weak interplate bonds। इस तरह से देखो, graphite में layer like structure होता है, ढेर सारे fused benzene ring होते हैं, और ये आपस में इस तरह से interact रहता है, तो हमें लगता है कि इसका आंसर क्या लगाना चाहिए आपके पास। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, सारी चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो 39th का फोर्थ ऑप्शन वही ऑप्शन बन रहा है जो आप सोच रहे थे। चलिए अगला सवाल स्क्रीन पे हमारे, व्हाट इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय ईच कार्बन एटम इन ग्रेफाइट। 2003 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, इसके कई ऑप्शन आपके पास है, पहला है 0, सेकेंड है 3, थर्ड है 2nd, एंड फोर्थ है 1, है ना। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कार्बन, हर कार्बन पर, ग्रेफाइट के हर कार्बन पे अगर तीन तीन बॉन्ड बने तो एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट के अंदर कंडक्टिविटी होती है, तो दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज 1। 40 क्वेश्चन आप लगा चुके हैं, और अब आपके स्क्रीन पर है 41st क्वेश्चन। कार्बन सब ऑक्साइड C3O2 हैज, कार्बन सब ऑक्साइड का फॉर्मूला है C3O2, आप सब लोग को C3O2 का स्ट्रक्चर पता होगा। अब हम C3O2 का स्ट्रक्चर पहले बना दें, तब ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है आपको करने के लिए हम दें। देखो बेटा, C3O2 में तीन कार्बन को ऐसे लेना है, है ना, तीन कार्बन को ऐसे ले लिया आपने, और दोनों ऑक्सीजन को दोनों तरफ टर्मिनल पोजीशन पे लिखना है। इधर भी डबल बॉन्ड ओ कर दिया, इधर भी डबल बॉन्ड ओ कर दिया, इधर भी डबल बॉन्ड ओ कर दिया, इधर भी डबल बॉन्ड ओ कर दिया। अब आप मेरे को बताओ, ये मॉलिक्यूल देखने में कैसा है? हर कार्बन पर sp हाइब्रिडाइजेशन है, अगर हर कार्बन पर sp है तो बताओ पहला लीनियर होगा, बेंट होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, बोलो क्या आंसर होगा, बोलो।
2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर सारे कार्बन पर sp है तो ऑब्वियस है आंसर होगा लीनियर। ओके 42nd क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रेड बैंड इज एन एग्जांपल ऑफ बेसिक ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा अगर रेड लेड का, तो आप समझते होंगे इट इज मिक्सचर, इसको हम लोग पीबीओ और पीबीओ2 का मिक्सचर बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीबी3O4। बेटा पीबीओ और पीबीओ2, ये देखो ये पीबीओ है और ये पीबीओ2 है, अगर मैं इसका दो मोल ले लूं और दोनों को जोड़ दूं तो देखो पीबी3 हो जाएगा और O4 हो जाएगा, इट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ पीबीओ एंड पीबीओ2। When sand is heated with hydrofluoric acid, बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है, and a wet rod is brought in contact with vapors, evolving a white deposit is due to SiF4, SiF6, H4, SiO4, none of this. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार मैं करा चुका है। अगर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, अगर HF है ना, अगर उसको आप सैंड से रिएक्ट करते हो तो पहले बनेगा SiF4, इसके बाद जब वेट रॉड में रखोगे उसमें पानी है तो क्या होगा, वॉटर चारों फ्लोरिन को निकाल के चार OH ग्रुप को लाएगा और इस तरह से H4SiO4 का फॉर्मेशन होगा। Which one of the following is correct set for SiO2? चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, बता रहे हैं आपको SiO2 के लिए कौन सी बातें सही है। SiO2 लीनियर है और एसिडिक है। आपको मैंने बताया था SiO2 नॉन मेटल का ऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, और आपको मैंने ये भी बताया था कि सिलिकन के ढेर सारे अगर ऑक्साइड्स को, ढेर सारे सिलिका के मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ोगे तो थ्री डायमेंशनल जाइंट स्ट्रक्चर बनेगा। तो आंसर पहले का कोई मतलब नहीं है, दूसरे का भी कोई मतलब नहीं है, अब तीसरे का भी कोई मतलब है कि नहीं देखते हैं, है ना। तीसरा लिखा हुआ टेट्राहेड्रल और एसिडिक है तो तीसरे का ही मतलब है, क्योंकि नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है टेट्राहेड्रल। तो 44th क्वेश्चन का आंसर थर्ड होगा। कुछ ऐसे सवाल स्क्रीन पे आ रहे हैं जिसका सबका आंसर एकदम फटाफट सही आ जा रहा है, और कुछ ऐसे भी आ रहे हैं जो नहीं पता थे, कम से कम हमें याद हो रहा है। कैटलिसिस टेंडेंसी का ऑर्डर ये है, कार्बन, सिलिकन और जर्मेनियम। फिर से वही सवाल मैंने रिपीट किया है, तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, ये क्वेश्चन में करा चुका हूं, रिपीट करता हूं मैं, बोलो क्या आंसर लगाओगे। सबसे अधिक कार्बन का, फिर सिलिकन का, फिर जर्मेनियम का, है ना। तो आंसर इसमें कौन सा सही होगा, आंसर 4 सही होगा, सबसे अधिक कार्बन का, उससे कम थोड़ा सा सिलिकॉन का और सबसे कम जर्मेनियम का। कैटेनेशन प्रॉपर्टी मतलब चेन फॉर्मेशन करना, और चेन वही फॉर्मेशन करेगा जिसका बॉन्ड स्टेबल होगा, और बॉन्ड स्टेबल होना मतलब बॉन्ड एनर्जी उसकी हाई है। व्हाट इज द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन डायमंड, प्यारा सा क्वेश्चन है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ नहीं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रम, और यही लेंथ डायमंड में होगी क्योंकि डायमंड में सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं। तो फर्स्ट आंसर सही है, याद कर लेंगे सब लोग, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ 1.54 होती है। एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 47th क्वेश्चन, आपको मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। कॉलम 1 में सिलिका जेल, इधर ट्रांजिस्टर, आयन एक्सचेंजर, ड्राइंग एजेंट एंड सीलेंट लिखा हुआ है, सिलिकॉन के बारे में, सिलिकॉन के बारे में और सिलिकेट्स के बारे में आपको मैचिंग करनी है। आगे अगले मैं स्क्रीन चेंज करूंगा तो आपको आंसर मिलेगा मैचिंग में। एक भी पहले आंसर पकड़ के देखो, एक भी आंसर पकड़ के देखो, है ना, तो आपको हो सकता है कि आगे आगे वाला समझ में आने लगे। सिलिका जेल, सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकेट, कल मैंने यूजेज आपको पढ़ाए थे, एप्लीकेशन पढ़ाए थे, और वो एप्लीकेशन अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन लग जाएगा। चलो मैचिंग करते हैं, ए थर्ड, बी वन, सी फोर, डी टू, अगर आप याद कर लिए हो क्वेश्चन तभी तो मैचिंग लगा पाओगे, तभी तो लगा पाओगे। चलो ए थर्ड बी वन, ए थर्ड पहले चेक करते हैं भाई, ए थर्ड यूज करते हैं, पहले चेक करते हैं। मैं बैक आता हूं स्क्रीन पे और आपको पहले ए का चेक करा दो भाई। देखो सिलिका जेल मैंने कल बताया था कि जब हम कोई भी बर्तन खरीद के लाते हैं, है ना, कोई इस तरह से चीज लाते हैं जिसमें कि ड्राई रहना बहुत जरूरी है, तो उसमें देखते हैं कि एक पैकेट पड़ा होता है छोटा सा, और उसके अंदर लगता है सैंड भरा हुआ है। वो सैंड क्या है, वो सिलिका जेल है। वो क्या करता है, उसके अंदर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए सिलिका जेल को ड्राइंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। तो एक अगर पहला वाला भी अगर ये बात आपको याद होगा, तो एक का थर्ड ये केवल और केवल एक ही आंसर में था, इसलिए आंसर बहुत आसानी से आप लगा सकते थे, बाकी किसी में एक का थर्ड नहीं था, इसलिए आप देख करके फटाफट एक ही से आंसर लगा सकते थे, चारों को मैच करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। चलिए फिर से एक एम्स का सवाल है, ये जेएमओएल का सवाल है। असर्शन है अमंग द कार्बन
एलोट्रोप्स डायमंड इज एन इंसुलेटर वेयर ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेरे ख्याल से आपको ये सही लग रहा होगा क्योंकि डायमंड इंसुलेटर है और ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है वो sp3 होता है डायमंड में और ग्रेफाइट में sp2 होता है। ये बात तो दोनों सही है लेकिन कंडक्शन के पीछे हाइब्रिडेशन रीजन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन बिकॉज कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करता है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बोलो कौन सा आंसर सही लगाओगे। पहले आंसर में क्या बोलते हैं कि असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, गलत बात है। सेकेंड ऑप्शन में बोलते हैं कि सही तो है बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो यही सही हुआ। तो 48th का सेकेंड आंसर लगाएंगे। हाँ अच्छा, फर्स्ट में लिखा नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, लिखा नॉट करेक्ट तो फर्स्ट लगा देंगे आंसर, ओके। 49th क्वेश्चन स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बहुत प्यारा सा और आसान सा क्वेश्चन है, देखना है इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कितना घुसा हुआ है। मैंने बताया कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन फैमिली में नीचे वाले का स्टेबल होता है, तो नीचे वाले का स्टेबल होता है, पहला सही है, लेड नीचे है ना। सेकेंड +4 ऊपर वाले का ज्यादा स्टेबल होता है, तो कार्बन और सिलिकॉन +4 वाले ज्यादा बनाएंगे, एकदम सही बात है, तो सेकंड भी सही है। मुझे नॉट करेक्ट ढूंढना है, ध्यान देना इनकरेक्ट चाहिए। लेड इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग वाला फंडा मैं चाहता हूं क्लियर हो जाए। देखो PbCl4 PbCl4 PbCl2 में जाना चाहेगा क्योंकि लेड का +2 ज्यादा स्टेबल है। अगर +4 से +2 में कोई जाना चाहता है तो खुद क्या होता है, रिड्यूस, और जो खुद रिड्यूस होता है वो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो लेड अगर +4 में है तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तो बात सही निकली। जब ऑक्सीडाइजिंग वाली बात सही है तो फिर रिड्यूसिंग वाली बात झूठ है ना। तो बोलो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया, फोर्थ। अच्छा सा कॉन्सेप्ट दे गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द गैस प्रोड्यूस्ड बाई द पासेज ऑफ एयर ओवर हॉट कोक इज कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो एयर को अगर हॉट कोक पे पास करते हो आप तो कौन सी गैस निकलेगी, ये इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है। CO+N2, एयर में N2 भी है और ऑक्सीजन भी N2 ज्यादा है, तो CO+N2 निकलेगी, इसको हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, प्रोड्यूस गैस नहीं प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। तो आज की क्लास में बैठे हुए सारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा आज क्लास किया, ढेर सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के लगाए हुए आए आपने करा, और उन सारे क्वेश्चन को करने के बाद मुझे लगता है कि एक इंजॉयमेंट आपके अंदर फील आ रहा होगा, मेरे अंदर तो आ रहा है क्योंकि आज हम लोगों ने टाइम को बहुत सही तरीके से इस्तेमाल किया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम लोग अगली क्लास में इसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, नया चैप्टर लेके आएंगे, कार्बन फैमिली के और भी बचे हुए क्वेश्चन और नए क्वेश्चन हम लगातार आपके पास डिस्कशन करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब बचा हुआ समय, आज की रात्रि का जितना समय बचा हुआ है उसको सही से यूटिलाइज करिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।